हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सिंध के वजीर मीर हजार खान बजरानी की अहलिया समेत पुरसरार हलाकत। कराची डिफेंस में रिहायश का से दोनों की गोलियां लगी लाशें मिली। एक पिस्तौल, चार खौल बरामद। वजीर आला, सूबाई वजरा, हुक्काम रिहायश का पहुंच गए। दो मुलाजिम से हिरासत, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मीर हजार खान बजारानी के पास वजीर तरक्की और मंसूबा बंदी का कलमदान था। ताल्लुक कश्मीर से है। वजीर तालीम और वजीर सनत और पैदावार भी रह चुके। अहलिया फरीहा रजाक भी रुकने सिंध असेंबली रह चुकी हैं। फरीहा रजाक 2002 से 7 तक खवातीन की मखसूस नशिस्त पर एमपीए रहीं। हालत खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सो कॉल्ड नए पाकिस्तान वाले दावे करते रहे हैं, आज पोल खुल रहे हैं। आपकी क्या कारकर्दगी है पिछले साढ़े चार सालों में? कुछ एक चीज बताओ। हम तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान से हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया, बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया, दौड़ शुरू की तरक्की की पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ की कराची आमद, कारकुनों से खिताब में कप्तान पर तनकीद। बोले कोहाट की आसमा की किसी ने खबर तक न ली, ये एक टके की बिजली भी पैदा नहीं कर सके। मजीद कहा, पाकिस्तान में वोट का तकद्दुस और इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए। अपनी हुकूमत की कामयाबियां भी गिनवाई। कहा 2013 और आज के कराची में बहुत फर्क नजर आता है। हमने अमन कायम कर दिया, आइंदा इलेक्शन में आवाम ने मौका दिया तो सिंध और कराची को बदल देंगे। ग्रीन लाइन मनसूबे का दौरा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस का फैसला सुना दिया। तीनों मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने का फैसला भी कलादम। अदालत आलिया को 2 माह में मेरिट पर केस का फैसला करने की हिदायत। पुलिस ने मुलजिम शाहरुख जतोई, सज्जाद और सिराज तालपुर को हिरासत में ले लिया। हतमी फैसले तक मुलजिमान के नाम ECL में शामिल रहेंगे। नकीबुल्ला महसूद की हलाकत के मुल्जिम राव अनवार अभी तक कानून की गिरफ्त से दूर। फोन बंद है, वो व्हाट्सएप के जरिए मीडिया समेत दीगर अफराद से राबते में हैं, लेकिन पुलिस व्हाट्सएप के जरिए होने वाली बातचीत ट्रेस नहीं कर सकती। IG सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए। अदालत ने ISI, IB और MI को पुलिस से मुकम्मल तआवुन का हुक्म दे दिया। व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करने की अहलियत पुलिस के पास नहीं है। राव अनवार जहाज पर इस्लामाबाद आए और आपको पता ही ना चला। कमाल की निगरानी है। चीफ जस्टिस का IG सिंध से मुकालमा। AD खाजा की ओहदा छोड़ने की पेशकश। इंक्वायरी रिपोर्ट भी जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नकीबुल्लाह दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं था। उसे गैर कानूनी हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदालत ने समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। राव अनवार का पैगाम मीडिया पर चलाने पर पाबंदी भी लगा दी। राव अनवार के हाथों नकीबुल्ला की मावराय अदालत हलाकत के खिलाफ एहतजाज। कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दारुल हुकूमत के रेड जोन में कंटेनर पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब के बाहर और रैली के रास्ते पर तायुनात। फाटा की आवाम इंसाफ के लिए आपकी तरफ देख रही है। नकीबुल्ला के वालिद ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया।
जमीन तंग कर देने की धमकियां देने वाले निहाल हाशमी पर ही जमीन तंग हो गई। तौहीन अदालत पर एक माह कैद, 5 साल के लिए नाहल, 50,000 रुपए जुर्माना, गैर मशरूत माफीनामा भी मुस्तरद कर दिया गया। फैसला आते ही पुलिस ने निहाल हाशमी को गिरफ्तार करके पहले थाने और फिर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। निहाल हाशमी ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर एतराजात लगा दिए। नाअहली की मुद्दत के इसके दौरान भी निहाल हाशमी की नाअहली का जिक्र। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, निहाल हाशमी को सजा पर डिस्टर्ब हूं, दलाइल नहीं दे सकूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फैसला कानून के मुताबिक है, आप दलाइल जारी रखें। कामरान मुर्तजा बोले, तौबा का भी तसव्वुर मौजूद है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने पूछा, क्या सरेआम बुरा भला कहकर तौबा हो सकती है? तौबा का भी तरीका है, पहले अवाम के सामने बददियानती का एतराफ करना होगा। निहाल हाशमी ने गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगी थी। ये जो रवायत अदालत उज़्मा की है, उससे निहाल हाशमी के मामले में जो है वो थोड़ा डिस्टेंस किया गया। निहाल हाशमी की सजा पर तहरीके इंसाफ निहाल तो नून लीग बेहाल। राणा सनाउल्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर खड़े होकर मजाक उड़ाने वाले बाबर आवान को तो माफी मिल गई, लेकिन हमने कभी जजेस की जात पर तनकीद नहीं की। आबिद शेर अली बोले, निहाल के बयान के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। शीरी मिजारी ने कहा, यही कार्रवाई अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हवारियों के साथ होनी चाहिए। पवा चौधरी कहते हैं, निहाल हाशमी ने पूरे निजाम को धमकी दी, सजा जरूरी थी। मेडिकल स्टूडेंट आसिमा का कातिल मुजाहिद आफरीदी गिरफ्त में ना आया। केपी पुलिस के इंटरपोल को गिरफ्तारी के लिए मरासले भिजवाने के दावे। आसिमा कत्ल केस में मुश्तबा अफराद के सैंपल क्रॉस मैच के लिए भिजवा दिए गए। दूसरी तरफ एबटाबाद में पुरइसरार तौर पर जामहक होने वाली मिसबा की कबर कुशाई और पोस्टमार्टम। मिसबा सूबाई वजीर मुश्ताक गनी के भाई के घर मुलाजिमा थी। इंसान नहीं है वो लोग, ईमान है। उनको सजा अल्लाह देगा, मेरी बच्ची तो चली गई ना, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत प्यारी दीदी, वो हम लोग सारी बहनों से बहुत प्यारी दीदी, बहुत प्यार करते थे मेरे पापा भी उसे। कराची में शहरी ने डकैती के दौरान मजाहमत की, डाकुओं की फायरिंग से 5 साला फातिमा की जान चली गई, बच्ची के घर वाले गम से निढाल, आहों और सिसकियों के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। इलाका मकीन कहते हैं, पुलिस तहफ्फुज़ देने में नाकाम हो गई, वारदातों ने जीना मुश्किल कर दिया है। बाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तालिबा की गैर इखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का इंकशाफ, 6 मुलजिम गिरफ्तार। सराय की शोबे की तालिबा ने खवातीन दादरसी सेंटर में शिकायत की थी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में केटीए का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुश्तइल अफराद की जानिब से हंगामा आराई और फायरिंग, 5 अफराद जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कल करेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब कहते हैं, कल सिर्फ 4 सूबों का शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 की फाटा और इस्लामाबाद तक तौसी नहीं हुई, इसलिए फाटा और इस्लामाबाद के लिए सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं होगा। गुजरावाला में वुकला से लड़ाई के बाद गिरफ्तार रेस्क्यू अहलकार भाग निकले, दुहाइयां, कहते हैं हम पर जुल्म हुआ और हमारे ही खिलाफ पर्चा दर्ज कराकर गिरफ्तार कर लिया गया। अहलकारों की थाने से भागने की फुटेज मंजर-ए-आम पर। बाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तालिबा की गैर इखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का इंकशाफ, 6 मुलजिम गिरफ्तार। सराय की शोबे की तालिबा ने खवातीन दादरसी सेंटर में शिकायत की थी।
کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں کے ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، مشتعل افراد کی جانب سے ہنگامہ آرائی اور فائرنگ، پانچ افراد زخمی ہو گئے۔ آپریشن کے دوران پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو کنٹرول کیا۔ الیکشن کمیشن سینٹ الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کل کرے گا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب کہتے ہیں کل صرف چار صوبوں کا شیڈیول جاری ہوگا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی فاٹا اور اسلام آباد تک توسیع نہیں ہوئی، اس لیے فاٹا اور اسلام آباد کے لیے سینٹ الیکشن کا شیڈیول جاری نہیں ہوگا۔ گوجرانوالہ میں وکلا سے لڑائی کے بعد گرفتار ریسکیو اہلکار بھاگ نکلے، دہائیاں، کہتے ہیں ہم پر ظلم ہوا اور ہمارے ہی خلاف پرچہ درج کرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ اہلکاروں کی تھانے سے بھاگنے کی فوٹیج منظر عام پر۔